प्रभे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवचि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित समस्त भक्तवृंद को मोर यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आज आम मैंने श्रवण करवा भगवान कि भली भक्तवत्सल यही विषय रे सुंदर गोटे उपाख्यान बा आम ओडिशा श्री रेमुणारे बालेश्वर थिबा रेमुणारे सेठी गोटे अपूर्व विग्रह अच्छा जार नाम होती खीर चोरा गोपीनाथ एवं श्री किशोरानंद देव गोस्वामी आम ओडिशा भाषा रे श्रुतिसार नामक ग्रंथ रे एक सुंदर उपाख्यानटी सुंदर भाव से कही जेतेबले भगवान रामचंद्र कर वनवास हो गला राम लक्ष्मण सीता भ्रमण करी करी जेतेले चित्रकूट रे किसी ऋषि मुनि का आश्रम पाखरे से रहुतिले तांकर आश्रम रे गोरु माने थिले थरे हठात सेठी झड़ी बतास आसे आसले परे समस्त गोरु बाछुरी माने सब दौड़ा दौड़ी करिवा को आरंभ करिले ताकु देखिकरी भगवान मिष्टि मिष्टि भगवान हसुथिले। सही समय रे माता जाने की पचारिले बोले प्रभु आपण काही हसंती। सही समय रे भगवान राम कहले बोले सीते मु एई त्रेतया जुगरे मु राम होइकरी आसीछि दशरथ नंदनकर पुत्र रूपे द्वापर युगरे मु कृष्ण होइकरी आसीबी एवं मोर बाबा श्री नंद बाबा हेबे मो बाबांकर नवलक्ष धेनु हब एवं सही समय रे मोर बहुत सांग साथी माने हेबे श्रीदाम वसुदा मधुमंगल अर्जुन स्तोक कृष्ण लवंग आदि एवं यही अवतार तुम्हे जणे केवल मोर स्त्री किंतु कृष्ण अवतार रे मुझे ते बेले रास करीबी सहे कोटी गोपी को सांगरे मु रास करीबी एवं मोर अष्ट सखी हेबे ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी अष्टम मंजरी हेबे एवं मोर जे गोरु माने हेबे से माने मु तांको मु गोरु चरिया पाई जीवी एतले ए समस्त कथा कहिले सेही समय रे माता सीता कहिले बोलो प्रभु आपण द्वापर युगरे आपणकर रूपटी किभली हबो आपणकर सखी माने केमिति हेबे आपणकर सखा केमिति हेबे आपण दया करी टिके मते टिके अंकन करी करी देखेबे बोले ठीक अछि सीता मु ये गुंफा भीतर प्रवेश करूछि सात दिन परे मु तुमको देखेबी मोर लीला किभली हबो। तेणु भगवान गोटे गुंफा रे प्रवेश करी करी गोटे कला प्रस्तर उपरे तीर देकरी से कृष्ण लीला से अंकन करथले किंतु से चारि दिन रे माँ सीता तो एते उत्साहित हो गले तांक भीतर एते उत्साह आसला बोले प्रभु मु आज देखिया पई चाहूची किंतु एने भगवान सीतांक कुतूहल देखिकरी से प्रस्तरटी तांकु देखेले देखेले जे कृष्ण जे मूर्ति से संपूर्ण रूप रे हो जाइतिला किंतु सेठी जे अष्टमंजरी एवं सेठी सखी माने अछंती चारण मुष्टिके अछंती अनंत सज्जा ता भीतर अछी एई जे जिनिस गुड़ाक पूर्ण रूप रे हे नथिला। सही समय रे सीता कृष्ण को रूप देखिरी कहले प्रभु आपण के भीतर आंक भीतर तो किसी तफात देखा जाऊनी। राम कहले आम तो दुजण एका तफात कौन किंतु प्रभु कहले प्रभु टिके तफात अछि काहेकि ना आपण तो सीधा छिड़ा होती कितु ये तीन जगार बंका एवं आपण हाथ में धनुष अच्छी आंका हाथ में बंशी अच्छी एवं आपणकर आखि तो हूँ गंभीर किंतु आंकर आखि बहुत चंचल बोले मोर सतकोटी गोपी हेबे ना तेणु मोर चंचल आखि जो एक कथा कहले
सीता देवी कहले प्रभु ए विग्रह को मु पूजा करि पारिबि भले करि पारिबो। सेई समय रे माता सीता पंचामृत देकरी सुंदर तांकर स्नान तांकर सुंदर चंदन देकरी तांकर तिलक एवं फूलमाला देकरी तांकु सुंदर भावरे सजौथले। किंतु जेतेबेले श्री अति मुनिका आश्रम रे राक्षस मानकर बहुत उत्पीड़न हैला से रामचंद्र को कहीकिरी सीए तांकु आश्रम को नहींगले सही समय रे एठी तो दियो रहीगले एका। किंतु नियम होची जेतेबेले आमे दियो को पूजा करूचु से पूजाटा कंटिन्यू होगा दरकार मझे जमी रोके न रोके। तेणु से ही समय ब्रह्मा जितेबले देखिले प्रभु तो पलिगले ये दियो को पूजा किए कर से ही समय ब्रह्मा से सत्य लोक रु आसिक ब्रह्म लोक रु आसिक प्रत्येक दिन सीए पूजा सेवा करुले कृष्ण को। तेणु थे आम ओडार जड़े राजा लांगुला नरसिंहदेव सी भ्रमण करणी सांगे जितेबले से चित्रकूट पर्वत पहुँचले हठात से मूर्ति को देखिले सी मन करे बोध हुए ये मूर्तिटा कहीं सेवा पूजा करूना ये एमती पड़ी अच्छा तेणु ताकू आमर ओडा पूरी को नहीं आसापाई से चाहिए जितेबले चाहिए से समय ठाकुर को नहीं आसते नहीं आसिक जितेबले से रेमुणा को आसले तार नाम रेमुणा कहीं से स्थान अत्यंत रमणीय थिला एवं से स्थान रे जेतेबेले भगवान रामचंद्र अयोध्या फेरुथिले से स्थान रे सीए चार दिन रहिकरी से सुंदर रमणीय का लीला करथिले बोली से स्थान रे नाम होची रेमुणा। जेतेबेले से स्थान को आसिले दियो को नहीं सेठ किसी गोप माने किसी गौड़ लोक माने सेठी थिले सेठी बहुत क्षीर दही लहुणी बहुत सेठे मिलिथिला कृष्ण तो हेले माखन चोर तेणु जो देखिले आमर जाति भाई माने एठी रहिले क्षीर दही लहुणी बहुत किसी मिल से राजा को स्वप्न देले बोले महाराज मत आठ नहीं जीवनी मुठी रही चाहूँगी। तेणु राजा से स्थापन करदे दिह से रोते भगवान राम जिते से आसी आसवा समय रे माता सीता थे गंगा स्नान पाई इच्छा है इच्छा हेले भगवान राम सात थर से बाण मारी तेणु सेठ गंगा सप्त धारा होकरी से गंगा मध्य प्रभावित प्रवाहित होकर आसला एने गोटे धारा देखा जाए तेणु से नदी नाम हो सप्तसरा एवं सी मध्य ये कथा कही मु स्नान करिया परे मु पार्वती शिव को दर्शन करने चाहूँगी सेठी मध्य सेठ शिव हरचंडी एवं सेठ भगवान शिव मध्य सेठ प्रकट होते सेठ एने मध्य से समस्त स्मृति आदि अच्छी। किंतु आगे तो ठाकुर का नाम था गोपीनाथ किंतु परवर्त समय रे से ठाकुर नाम पड़गला क्षीरचोरा गोपीनाथ ताको ना क्षीरचोरा गोपीनाथ कहीं पड़ा से संबंध में गोटे सुंदर गल्प अच्छी श्री चैतन्य महाप्रभु को सांगे हैं से चैतन्य महाप्रभु जितने सेठिक आसिले दर्शन करी से क्षीरचोर गोपीनाथ को से प्रेम आविष्ट हो जाते बोले आईला रेमुणा ग्रामे गौरांग श्रीहरि रेमुणाए देखी निज मूर्ति गोपीनाथ विस्तर करा नृत्य भक्त वर्ग साथ आपनार प्रेम प्रभु पासरी आपना रोदन करेन अति करिया करुणा। महाप्रभु जितेबले से गोपीनाथ को दर्शन करे महाप्रभु निजे निज को दर्शन करी महाप्रभु किए महाप्रभु हेले कहते राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम स्वयं कृष्ण राधा रानी कर प्रेम को आस्वादन करने राधाराणी मत दर्शन करते आनंद होते जिते आनंद हो राधाराणी को मोठार कोटी गुण से बेस आनंद मिलूँ से आनंदा कौन। तेणु कृष्ण देखिले मु राधाराणी भाव अंग का ने से जिनटा को आस्वादन करेणु कृष्ण निजे राधाराणी भाव तांकर रंग तांकर भाव नहीं कलिजुगर
श्री चैतन्य महाप्रभु रूपरे प्रकट हेले हेकिरी निजे कृष्ण हेकिरी कृष्ण भितर कौन माधुर्य अच्छी सेटा को सी आस्वादन करले तेणु श्री चैतन्य महाप्रभु निजे कृष्ण क्योंकि से कृष्ण को दर्शन करी महाप्रभु क्रंदन करछंती एवं से प्रेमरे अभिभूत हो जाउछंती श्री चैतन्य महाप्रभु किंतु गोटे सुंदर तांका ना गोपीनाथ क्षीरचोरा गोपीनाथ नाम कहीं है ता पचर गोटे सुंदर कथा अच्छी बोले कौन कथा अच्छी बोले रेमुनाथे गोपीनाथ परम मोहन भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन क्षीरचोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम भक्तगण कहे प्रभु सही तो आख्यान पूर्वे माधव पुर्य लागे खीर कैला चोरी अतएव नाम हैला खीर चोरा हरी तंग ना कहीं क्षीरचोरा गोपीनाथ पढ़ले भक्त माने श्री चैतन्य महाप्रभु को से कथा कहते ब्रजरे जने भक्त थे ना हूँ माधवेन्द्रपुरी बोले माधवेन्द्रपुरी के बोले श्री चैतन्य महाप्रभुकर गुरु हेले ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी गुरुदेव हेले श्री माधवेन्द्रपुरी एवं से माधवेन्द्रपुरी पुरी अमर सी ब्रजरे थी समय सी जे गोपाल थे जहाँ श्री बज्रनाभ को द्वारा स्थापित जितने से गोपाल को सी प्रकट करे गोपाल कहले मु बहुत दिन रू जंगल रे पड़ी थी मो शरीर रे बहुत ज्वलन होणु तुम्हें पूरी जाकर मल चंदन नहीं आस ताक घसिक मो शरीर लगे मोर ताप जीव जर आदेश आदिष्ट से पूरी जाऊ समय सी यही क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर से रही थे गोटे राति से देखिले दियो को बड़ सुंदर श्रृंगार हो सुंदर भोग लगुच पूजारी को पचारे एठ दियो को कौन भोग लगे बोले ये सुंदर खीरी जहाँ भितर काजू पेस्ता देकर से खीरीटी तैयारी हुए जार नाम हो अमृत केली नाम पृथ्वी यद्यपि खीरी बहुत अच्छी कितु एमती खीरी कौ दियो को भोग एमती खीरी लगे नी तेणु माधवेन्द्रपुरी मन में इच्छा है यदि यार टिके मु स्वाद पाई मुझे तैयारी करी मो दियो को मु भोग लगे था मन में टिके एमती इच्छा है माधवेन्द्र चिंता करले ना मोर इच्छा करवा भल नुह कहीं माधवेन्द्रपुरी थे अजाचक वृत्ति अजाचक वृत्ति अर्थ हो केवेले का मगुन थे खायापी भगवत इच्छा जहाँ मिलता सेटा खाई करी रहुथिले आ जतले किछ न मिलुथिला जतले से कृष्ण नाम करुथिले से कृष्ण नाम रु जे अमृत निस्सृत होतिला से अमृत को से पान करी ता द्वारा से तृप्त हेकि रहुथिले तेणु से बहुत दुखी हेले दियंका आरती दर्शन करी करी तेणु से पळई गले जतले पळई गले सही समय रे दियंको बारुटा कोढुआ रे खीरी भोग लागुथिला किंतु दिय कौन करले से भक्तों को से खीरी र स्वाद देवाई गोटे कड़ुआ से चोरी करी निज लुगा भितर दिय चोरी कर रखिदेले किंतु पुजारी दियंकर मायार किसी बुझीपारे भोग लगे से सोई परिले राति अधरे तांको स्वप्न आदिष्ट हैला बोले पुजारी पुजारी उठ उठ मोर ब्रजर जणे भक्त आसछंती तांकर नाम होछि माधवेन्द्रपुरी तांकर इच्छा हेला मोर टिके खीरीर स्वाद पाइबापी तेणु मु गोटे कड़ुआ खीरी मु लुगा भितर लुचेक रखी मो मायार तू बुझी पारिलिनु ताकू जाकर से हाटरे बसिक हरिनाम करस माधवेन्द्र जल उठिले देखले सतरे से गोटे कड़ुआ खीरी अच्छी से खीरी नहींक्री जोर जोर जाक हाटरे डाकिले बोले क्षीर लह एजार नाम माधव माधवपुरी तोमा लगी गोपीनाथ खीरी कैला चोरी बोले कार नाम माधवेन्द्रपुरी आपण गोपीनाथ क्षीर चोरी करछंती पृथ्वी रे तेमेले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहीं भगवान जहाँ निजे खीरी चोरी करले तेणु ये खीरी निय से खीरी देले जितने से खीरी माधवेन्द्रपुरी पाइले तांकर प्रेमरे तांकर रोमावली हाँ रंगुड़ी छिड़ा हेगला एवं प्रेमरे से गदगद हो गले महाप्रभु मोपाई खीरी चोरी करले से कड़ुआटा कौन करले से खीरी खायापर ताकू धोईकिरी
ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିକିରି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଥରେ କେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲେ କାହିଁକି ବୋଲେ ସେ କଢ଼ୁଆଟାକୁ ନିଜେ ଗୋପୀନାଥ ସେ ନିଜ ହାତରେ ସିଏ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବୋଲେ ପାତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କହିଲା ବହିରିବା ସେ ବାନ୍ଧି ସେଇ ଟିକିଆ ରାଖିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଖାନି କରେ ନା ଭକ୍ଷଣ ଖାଇଲେ ପ୍ରେମାବଶ ହଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏନେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ସକାଳ ହେଲେ ପୂଜାରୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମୋର ଭଜନରେ ବାଧା ହେବ ସେ କ'ଣ କରିଲେ ଏକଦମ ଭୋର ଭୋରରେ ସକାଳ ସକାଳରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକରି ସିଏ ଆମ ପୁରୀକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ଜଗତ ବିଦିତ ଯେ ନାବାଞ୍ଚେ ତାର ହଏ ବିଧାତା ନିର୍ମିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନହେ ତାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଆନନ୍ଦ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମିଳିକରି ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ ବୁନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ବୋଲେ ମହାରାଜ ବ୍ରଜରୁ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଳୟଜ ଚନ୍ଦନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ମଳୟଜ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସିଏ ମୋ ଶରୀରରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ କିଏ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ପୁରୀ ଆସିଲେ ତା ଆଗରୁ ସିଏ ଆଳତୀ ଫୁଲମାଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ୍ଷୀର ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ ମୋତେ ଚୋର କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଚୋରା କ୍ଷୀର ଚୋରା କ୍ଷୀର ଚୋରା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କାହିଁକି ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଚୋର ହଁ ମୁଁ ତ ହେଲେ ଚୋର କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିଛି ମୋର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଚୋର ନାମ ଶୁଣିକରି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥର କଥା ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦିଅଁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିଅଁ ଦେଖିନୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ରାମ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବୋଲେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ କି ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।